नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अक्सर आप सभी से कहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि अपने वैल्यूएशन से भी कम प्राइस पर आपको, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अवेलेबल है। और आज कुछ ऐसे ही एक बुलेट स्टॉक की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि जिस वक्त दौड़ेगा तो इतनी रफ्तार से चलेगा कि आपको आश्चर्य भी होगा। ये एक फर्टिलाइज़र सेक्टर का काउंटर है। फिलहाल अपनी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उससे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त शानदार रिटर्न दे सकता है। तो सर, ये स्टॉक है दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड द पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली आप सभी को पता है जो फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोकेमिकल, केमिकल काउंटर्स हैं वो फ़िलहाल इस वक्त वीकनेस के साथ हैं, कमज़ोरी के साथ हैं। और लेकिन ये समय हमेशा नहीं बना रहेगा, यही समय होता है जब आप अच्छे काउंटर्स के अंदर निवेश करें, उन काउंटर्स में जो कि अपनी हाई वैल्यू से, यानी कि जो अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। 437 का इसका 52 वीक हाई और लगभग 158 का इसका 52 वीक लो है, और ये काउंटर अपने 52 वीक लो के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। पेट्रोकेमिकल और केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर फिलहाल वीकनेस में है, यही उचित समय है जब आपको काउंटर्स में निवेश स्टार्ट कर देना चाहिए, या आपको उसको अपने ट्रैक लिस्ट में रखते हुए SIP के थ्रू छोटी छोटी क्वांटिटीज को खरीदना चाहिए। इसका BSE कोड है 5006645, दीपक DEEPAKFERT, दीपक फर्ट इसका NSE का कोड है। फर्टिलाइजर सेक्टर की एक कंपनी है। 1419 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। PE 9.57 है जबकि इंडस्ट्री PE 12.32, यानी कि इंडस्ट्री PE से लोअर पर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो बुक वैल्यू है 236 रुपीस की काउंटर की बुक वैल्यू है, और ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। 0.68% केवल प्राइस टू बुक वैल्यू का परसेंटेज है। EPS 16.82 काफ़ी बेहतर है, और फेस वैल्यू जो काउंटर के अंदर, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू पे ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स पर, बहुत ही अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो लगभग 51% प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड का लगभग 2.5% है, इंश्योरेंस कंपनीज का भी लगभग 1.1% इन्वेस्टेड है, लगभग 6% क्वालिफाइड फॉरन इन्वेस्टर्स का निवेश है, और रेस्ट 24.66% जो है इंडिविजुअल जो है उन्होंने निवेश किया हुआ है। ओवरऑल कंपनी इज लुकिंग वेरी गुड और फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड यहाँ पर हम लोग अगर हाफ ईयरली नंबर्स की बात करते हैं तो पिछले ईयरली और हाफ ईयरली नंबर में जो वीकनेस हमें देखने को मिली है, हाई क्रूड की वजह से, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, उसका इम्पैक्ट हमें इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी देखने को मिला। अब सितंबर क्वार्टर, अगर सितंबर हाफ ईयरली की बात करते हैं तो 2000 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स रही है, जबकि सितंबर 17 में 1142 करोड़ की ही नेट सेल्स थी। यानी कि अब देखेंगे जो टॉप लाइन है उसमें ऑलमोस्ट 45% के आसपास की ग्रोथ है, यानी कि डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह, आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट कॉस्ट जहाँ पर लास्ट सितंबर 325 करोड़ की इनपुट कॉस्ट थी, वहीं अब 469 करोड़ की इनपुट कॉस्ट इनकी लगी है। ठीक है, हालांकि इनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हुई है, इसलिए इनकी इनपुट कॉस्ट इस वजह से भी इंक्रीज़ हुई है। साथ ही अगर आप देखेंगे कि इसमें अदर एक्सपेंसेस लगभग 69 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अदर इनकम्स भी डिक्रीज़ हो गई हैं, 11.84 करोड़ से घट के 8.8 करोड़ रह गई हैं। ओके, इंटरेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा गया, 28 करोड़ से बढ़ के लगभग 41 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट रहा। इसके अलावा प्रॉफिट, अगर आप PBT की बात करते हैं तो 38 करोड़ के मुकाबले जो PBT था वो लगभग 12 करोड़ के आसपास का डिक्रीज़ हुआ, 26.53 रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टॉप बॉटम लाइन है उनमें दबाव है, मार्जिन्स में प्रेशर है काउंटर के अंदर, और EPS भी लगभग 2 के आसपास रह गई है, 3 से घट के। फिलहाल काउंटर काफ़ी लोअर प्राइस पर अवेलेबल है, यहाँ से आपको अगर काउंटर 150 रुपये के आसपास मिलता है देन आप उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। काउंटर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस सेगमेंट अट्रैक्ट फिलहाल वीकनेस है बॉटम लाइन के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, बट जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज़बरदस्त है। बिजनेस वर्टिकल्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं ये लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, कॉर्प न्यूट्रिशन बिजनेस है इनका, एंड वैल्यू एडेड रियल इस्टेट वगैरह का बिजनेस है। ओवरऑल कंपनी में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिकल इन द इंडिया, इट स्पेशलाइजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी केमिकल्स दैट सरपास डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट इन द वर्ल्ड एंड द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ एक्सप्लोजिव ग्रेड
लो प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है अमोनियम नाइट्रेट का। ये कॉर्प न्यूट्रिशन बिजनेस भी है इसका, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द एनपीके एंड द स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स इन द इंडिया। द कंपनी अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड महाधन मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी एनपीके स्पेशलिटी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड वैल्यूएटेड रियल एस्टेट कैपेसिटी इंडिया फर्स्ट टू लाइफ साइकिल सेंटर DFPCL's foray into the real retail real estate। ठीक है, तो ये retail real estate में ये आपका अगर देखेंगे तो पुणे में है। ये was launched as a specialized center for the design and the interiors sprawling over the 6 lakh square feet के अंदर। सो ओवरऑल इनका जो बिजनेस वर्टिकल थे वो स्पेशलाइज्ड है केमिकल्स के अंदर, बट साथ में ये लोग रियल एस्टेट एंड जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। कंपनी बहुत बढ़िया है, आप इसमें निवेश आराम कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टेक्निकली बात करते हैं तो लगभग 160 रुपीज़ के आसपास काउंटर है, लगभग ओवर 100 जून के आसपास आ चुका है काउंटर। 150 से 160 रुपये के बीच में एक बड़ा सपोर्ट जोन काउंटर के अंदर है। पिछली बार जब आपने देखा होगा यहाँ से, आप देखेंगे 23 अगस्त 2016 से यहाँ से जब सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, देन काउंटर ने अपना हाई टच किया था लगभग 499-500 रुपीज़ का, जो कि नवंबर 2017 में इतना 500 का लेवल टच किया था। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्लाइन रहा काउंटर में 160 रुपये के आसपास है। मुझे लगता है कि आपको इस काउंटर में अब निवेश का समय आ रहा है। आप फर्टिलाइजर सेक्टर केमिकल सेक्टर में निवेश को आरंभ कर सकते हैं SIP के माध्यम से। 50 या 100 क्वांटिटीज़ आप हर महीने में खरीदते रहिए, अगले साल डेढ़ साल के अंदर आपको बेहतर नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, बेहतर रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे और प्राइस में भी आपको एक बेहतर लेवल देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये हमने बताया एक ऐसा स्टॉक जो कि बुलेट स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले समय में और आपको बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफे भी दे सकता है। इस स्टॉक के बारे में आप अपनी नज़र बना करके इसके इस पे जो भी इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं उस पे फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ इनके क्वार्टरली नंबर जो कि दिसंबर में आएंगे उस पर भी नज़र बनाइए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस काउंटर में आप निवेश कर सकते हैं। अगले साल से डेढ़ साल या दो साल के लिए आपको अच्छे मुनाफे ज़रूर मिलेंगे। सो अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन काउंटर्स के साथ बात करेंगे जो कि अपनी फेयर प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड करते हुए हैं, बट जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जो बिजनेस प्रस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, जो कि उन काउंटर्स को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले समय में। तो जल्दी दोस्तों फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।